प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को अपने अफसरों और पार्टी नेताओं के गफलत के चलते उस समय असमंजस पर पड़ गए जब लिम्बोदी मेन रोड का भूमि पूजन करने से पहले उन्हें पता चला कि भूमि पूजन कार्यक्रम पहले हो चुका है और काम भी जारी है। लिम्बोदी मेन रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार की सुबह रखा गया था जिसमें क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम की जैसे ही भनक बीजेपी पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। साथ ही लिम्बोदी मेन रोड का भूमि पूजन 6 मई 2018 में होने के फोटो जारी कर दिए। वहीं भूमि पूजन की जानकारी मिलने के बाद मंत्री पटवारी ने भूमि पूजन के कार्यक्रम को कैंसिल कर मौके पर पहुंचकर जनता के बीच नगर निगम के अफसरों और ठेकेदारों को बुलवाया और साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। बीजेपी ने इस मामले में मंत्री पर आरोप लगाया है कि इस सड़क का भूमि पूजन कांग्रेस फिर से श्रेय लेना चाहती है। पहले भी कभी भूमि पूजन और इसके चक्कर में नहीं पड़ा, नाम लिखाने के, पट्टिका बनवाने के, ये मेरे स्वभाव के विपरीत। काम चालू हो, जल्दी से हो, परिवार के लोगों को सहूलियत हो, और अभी राजनीति और कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, अब सिर्फ लोगों की सुविधा और जनप्रतिनिधियों का परिवार है।